हाय स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपसे बात किए थे कि हम कुछ बायोलॉजी के टॉपिक या कुछ बायोलॉजी के चैप्टर को आपसे डिस्कस करेंगे और आपसे आपको आपके पढ़ने का तरीका कुछ सिंपल करेंगे कुछ ट्रिक माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है वो 100% फॉलो होती है। इसलिए अगर इस वीडियो को जो कंपटीशन के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो बी केयरफुल, बहुत गौर से इस पूरे वीडियोस को देखिएगा और हम इसी क्रम में अपने आगे के वीडियोस भी अपलोडेट करते रहेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। इसलिए हमने कुछ सोचा है उनके लिए कि कुछ वीडियो की सीरीज स्टार्ट की जाए और उसके साथ साथ उन स्टूडेंट का मदद किया जाए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर जो बच्चे क्लास 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, तो उनके लिए भी काफी बेनिफिट है और जो जो स्टूडेंट जो नीट मेडिकल्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस। और हम क्योंकि एनसीआर बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी है वो हर कंपटीशन एग्जाम में कहते हैं कि उसकी रामायण है, महाभारत है, सब कुछ है, तो हम एनसीईआरटी को 100% फॉलो करेंगे और उसके साथ जहां भी हमको लगेगा कि नहीं हमको कुछ एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा एफर्ट करना है तो हम एनसीईआरटी से बाहर भी चलेंगे और उससे भी बाहर से भी कुछ बातें करेंगे जो अपने सिलेबस से रिलेशन होगा। तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने आए, चैप्टर जो स्टार्ट करने आने वाले हैं वो आपकी क्लास 12th का पहला चैप्टर है जिसको हम रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है क्या। ठीक है, तो हर देखिए हर एक जीव की एक लाइफ स्पान होता है, एक जीवन काल होता है। उस जीवन काल में, उस लाइफ स्पान में कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो जन्म लेता है और उसका एक निश्चित काल होता है, वो उस में उसकी उस निश्चित काल में उसकी मृत्यु होती है। तो इसी के दौरान इस प्रकृति के नियम को बनाए रखने के लिए, इस प्रकृति को बनाए रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, जिसके थ्रू वह एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करता है जिससे नए जीवन का शुरुआत होता है और यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो इस प्रकृति को बनाए रखने के लिए ये जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, उनमें रिप्रोडक्शन होते रहते हैं जिससे एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है। तो इसी के साथ आज हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग अगर हम समझने की कोशिश करें कि रिप्रोडक्शन है क्या, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं आप एनसीईआरटी का ही यह टॉपिक है, उसमें लिखा है इट इज डिफाइन एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ये टॉपिक कह रही है कि हम रिप्रोडक्शन को इस हिसाब से, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस से, इस हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस प्रक्रिया के दौरान एक नए जीव को, एक नए अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है जो कि उसके जैसा सिमिलर होता है मैक्सिमम। ठीक है, और यह रहा आपका रिप्रोडक्शन का टॉपिक। और जैसा कि आगे दिया है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ऑलरेडी आप पिछली क्लास से या छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, यानी जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसके अंतर्गत, उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जिससे नया ऑफस्प्रिंग्स बनता है।
यानी दो नए पेरेंट्स का मतलब है कि जैसे अगर ह्यूमन बींग्स में बात करें तो मेल और फीमेल, और उसी तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म में बात करें तो उसमें भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वेशन से ही एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, एक नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके अंतर्गत केवल एक पेरेंट सेल, याद रखिएगा यहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट सेल से एक नया इंडिविजुअल जन्म ले। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को उसके बॉडी से या फिर किसी भी प्रोसेस से वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो उसको हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया होगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पान होता है, अलग अलग जीवन काल होता है। हम उस चार्ट को, क्योंकि कुछ चार्ट उसमें कुछ टॉपिक उसमें अधूरा छोड़ दिया है, तो उस टॉपिक को हम फिलअप करेंगे। जैसे जो एलिफेंट, मतलब जो हाथी है, एलिफेंट का जो लाइफ जीवन काल है वो कुछ 60 से 90 साल का होता है। ठीक है, देखिएगा ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया। तो कंपटीशन में एनसीईआरटी 100% फॉलो होती है, और उससे कुछ 2-4-10 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। तो हम पहले एनसीईआरटी के डाटा को पहले कैप्चर करेंगे, उसके बाद हम बाहर चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता चला कि एलिफेंट जो है 60 से 90 साल उसका जीवन काल होता है पूरा, और उसी के साथ साथ जो रोज है उसका जो जीवन काल है वो 5 से 7 साल है, डॉग का 20 से 50 साल है, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक्स है, वीक ठीक है, अब तो मैं बात कर रहा है, क्रो का यानी 15 साल है, और उसके साथ साथ बनाना ट्रीज का 25 ईयर्स यानी 25 साल है, काउ का 20 से 25 साल है, पैरेट का 140 साल है, क्रोकोडाइल्स का 60 साल है, हॉर्स का 60 साल है, फ्रूट फ्लाई का 30 साल है, और राइस प्लांट का ऑलरेडी आपके पास अगर जहां से भी थिंकिंग करेंगे तो राइस प्लांट मतलब पैडी यानी धान की बात कर रहा है तो 3 से 4 मंथ होता है। उसके साथ ही आगे टोर्टोइस की बात करें तो यह 100 से 150 साल तक उसका जीवन काल है, और बनियान ट्रीज का 200 साल जीवन काल है। तो हमने एनसीईआरटी के उस टेबल को देखा, जैसा कि आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आप इसको इस स्क्रीन को मतलब कि वीडियो को पॉज करिए और इस स्क्रीन पे लिखा हर वो जीवन काल को आप लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ हम अब आगे बात करेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होते हैं और कैसे नए ऑर्गेनिज्म या नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो जाता है। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप यहां पर देख रहे हैं कि दिस मेथड इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स, सम पेरेंट्स यूज द वर्क क्लोज। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा से अलग करते हैं। यानी कह रहा है कि इस मेथड के अंतर्गत केवल एक पेरेंट सेल, याद रखिएगा इस बात को, केवल एक पेरेंट सेल इन्वॉल्व होता है और वो नए और ऑफस्प्रिंग को बनाता है, नए इंडिविजुअल या नए बेबी का निर्माण कर लेता है, और ऑफ स्प्रिंग के लिए और जो नया जो जन्मा बच्चा होता है उसका जो छोटे मतलब कर सकते हैं कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के फोटोकॉपी होते हैं, एकदम सेम होते हैं। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड को हम क्लोन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? हम क्लोन कहते हैं। और यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो होता है वो सिंपलर प्लांट्स में होता है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। कितने याद रखिएगा, किसमें किसमें? सिंपलर प्लांट्स में और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। और अगर हम किंगडम की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो है प्रोटिस्टा और मोनेरा में होता है। मोनेरा में आपको जहां तक पता है कि जो प्रोकैरियोट्स से आते हैं वो, और प्रोटिस्टा भी वो मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, यानी इनकी जो सेल है वो डिवाइड करके एक नए इंडिविजुअल का निर्माण कर देती है। यानी दिया ना प्रोटिस्टा एंड मोनेरा
सेल डिवाइड इनटू टू न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा डिवाइड अपने सेल को करती है और दो नए इंडिविजुअल को बना देती है, ठीक है। और जो सिंगल सेल एस सी यहां पर लिखा है, यहां सिंगल सेल की बात कर रहा है, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाइनरी फ्यूजन करते हैं, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम के बारे में आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। अमीबा एंड पैरामीशियम यह अपनी जो इनकी सेल होती है, जो इनकी कोशिका होती है, वो दो भागों से डिवाइड हो जाती है, और दो भागों से डिवाइड होने के बाद उसका एक एक भाग एक नए ऑफस्प्रिंग को बनाता है, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं इनका डेथ नहीं है, वो पूरी तरह से एक नए इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो जा रहे हैं। और उसी के साथ की आपको बात करें तो ईस्ट की बात करें, ईस्ट में अगर आपको देखना हो तो ईस्ट के अंदर बडिंग होती है, मतलब जो ईस्ट की सेल है, आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दिया होगा, आप देख सकेंगे वहां पर, ऐसे होता है, ठीक है। यह कंटिन्यू क्या करता है कि इसमें बडिंग होती रहती है, और ईच पार्ट इसका एक एक बडिंग जो है, एक एक बड यह टूट कर निकल जाता है, और जहां पर ये मतलब अलग अलग टूट कर निकला, और जिस एक एक इसका एक एक भाग एक नए नए इंडिविजुअल एक नए नए ईस्ट का निर्माण कर लेता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहां तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ईस्ट रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जैसे कि इस बार वगैरह की बात की जाएगी, कुछ एल्गी की बात की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।